सिंध काबीना का पेंशन रूल्स 1963 में तरमीम पर तबादला ख्याल, नई पेंशन स्कीम की मंजूरी दे दी गई। सरकारी मुलाजिम 25 साल बाद या 55 साल उम्र होने पर रिटायरमेंट ले सकेगा। वजीर आला सिंध का कहना है कि तरमीम के बाद पेंशनर के मसाइल हल होंगे और पेंशन भी वक्त पर मिलेगी। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे इकतदार अनवर से। इकतदार बताएगा इस हवाले से, इकतदार से रब्ता बहाल करेंगे। अभी आपको बताएं कि सिंध काबीना का पेंशन रूल्स 1963 में तरमीम पर तबादला ख्याल, नई पेंशन स्कीम की मंजूरी दे दी गई। सरकारी मुलाजिम 25 साल बाद या 55 साल उम्र होने पर रिटायरमेंट ले सकेगा। वजीर आला सिंध का कहना है कि तरमीम के बाद पेंशनर के मसाइल हल होंगे और पेंशन भी वक्त पर मिलेगी। सिंध काबीना का पेंशन रूल्स 1963 में तरमीम पर तबादला ख्याल, नई पेंशन स्कीम की मंजूरी दे दी गई। सरकारी मुलाजिम 25 साल बाद या 55 साल उम्र होने पर रिटायरमेंट ले सकेगा। वजीर आला सिंध का कहना है कि तरमीम के बाद पेंशनर के मसाइल हल होंगे और पेंशन भी वक्त पर मिलेगी। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे इकतदार अनवर से। इकतदार बताएगा इस हवाले से, इकतदार से रब्ता बहाल करेंगे। अभी आपको बताएं कि सिंध काबीना का पेंशन रूल्स 1963 में तरमीम पर तबादला ख्याल, नई पेंशन स्कीम की मंजूरी दे दी गई। सरकारी मुलाजिम 25 साल बाद या 55 साल उम्र होने पर रिटायरमेंट ले सकेगा। वजीर आला सिंध का कहना है कि तरमीम के बाद पेंशनर के मसाइल हल होंगे और पेंशन भी वक्त पर मिलेगी।